हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट टू स्टैंडर्ड 9, जिसका जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। प्रॉब्लम सेट 1 जो फर्स्ट है, प्रॉब्लम सेट 1, ये भी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है और हमने इसमें से 5 सम्स क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बहुत ही आसान है ये, ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में सीखा हुआ है उसी के ऊपर बेस है, ये प्रॉब्लम सेट में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, सो व्हाट इज क्वेश्चन, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ ए बी सी, अगर ए बी सी एक लाइन है एंड डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 17, तो डिस्टेंस ए सी जो है दैट इज 17, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 6.5, देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वॉट, तो हमें वो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने क्लियरली ये कैसे सॉल्व करना है दिखाया हुआ है। बहुत सारे सम्स ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमें पहले एक लाइन निकाल देनी है यहाँ पर ए बी सी, इसके 3 पॉइंट्स है ए बी सी। क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस ए सी कितना है, ए सी जो है वो है 17, तो 17 लिख देते हैं। डिस्टेंस बी सी कितना है, दैट इज 6.5। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए बी, तो ए बी को फाइंड करना है। सो जब ये सम हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस हमें लार्जर डिस्टेंस दिया है, जो लॉन्ग डिस्टेंस दिया है, उसे हम सबसे पहला देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, तो ये हमें लिखना है, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ये लिख देने के बाद क्या करना है, अभी जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। आप लोग गिवन में भी पहले ये लिख सकते हो, फिर तो उसके बाद ये सॉल्यूशन में लिखो। आप जब सॉल्व करोगे तो कैसे करना है, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद क्या करना है, जो गिवन दिया है वो लिखो। अभी मैंने गिवन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी, जैसे स्कूल में आप लोगों को अलग अलग तरीके देते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे करने के बाद, लेकिन मेन मेथड हमारा क्या है, दिस इज अवर मेन मेथड, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मेन है। तब यहाँ पर देखो, डिस्टेंस ए सी दिया है दैट इज 17, इज इक्वल टू ए बी जो है फाइंड करना है, प्लस डिस्टेंस बी सी दिया है 6.5। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली वी हैव टू चेंज दिस वन, तो 17 माइनस ये प्लस 6.5 का हम माइनस 6.5 करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ए बी, ठीक है, इसमें बीच में कॉमा लेना है। तो अभी डिस्टेंस जब भी लिखते हैं बीच में हम कॉमा लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखो 17 जो है उसमें से माइनस 6.5 करना है, तो अगर 17 में से माइनस 6.5 करोगे तो यू विल गेट हियर 10.5, दैट इज वॉट डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी कितना है, 10.5। अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है डायरेक्ट करने के लिए, तो आप साइड में वर्टिकली कर सकते हो, तो मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। तो अब ये 17 होल नंबर है, इसमें से जो 6 होल है इसे हम इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ पर आगे 5 आ गया, तो ऊपर भी पॉइंट लेके 0 ले लो, माइनस करो, 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो फ्रॉम 7 यू हैव टू कैरी। तो यहाँ पर आपने अगर ले लिया है, बोरो करके ले लिया इसके पास से, तो 17 का यहाँ पर 6 हो गया है और 10 माइनस 5 इज 5, 6 माइनस 6 इज 0 एंड 1 वी विल राइट एज इट इज, और पॉइंट सीधा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट हम सीधा नीचे लेते हैं, तो 10.5 आंसर आ गया है। तो ठीक है, दिस वे वी हैव टू फाइंड दिस। सेकेंड, इफ पी क्यू आर, तो अभी सेम यहाँ पर करना है, पी क्यू आर क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 3.4, पी क्यू 3.4, देन क्यू आर इज 5.7,
सो पी आर वी हैव टू फाइंड। तो हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये गिवन में आप लोग लिखो, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी फिर से जो बिगर है उसे हम पहले लिखेंगे। सो डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। सो नाउ हियर वी हैव टू फिल द गिवन इंफॉर्मेशन प्लस 5.7, दोनों का एडिशन करोगे तो यू विल गेट योर 9.1। 9.1 क्या है? दिस इज आवर डिस्टेंस पी आर। सो पी आर इज वॉट 9.1, ठीक है। सिंपल हो गया है, बहुत ही आसान तरीका है। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन इज 1। What are the coordinate of point on the number line which are at the distance of 7 unit from A? तो आपको ये रीड करने के बाद थोड़ा सा रिमाइंड हो गया होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। सिर्फ यहाँ पर ये नेगेटिव दिया था 7, यहाँ पर 1 एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। दिस इज ओनली डिफरेंस वी हैव। यहाँ पर हमें डिस्टेंस 8 दिया था यूनिट, 8 यूनिट, और डिस्टेंस यहाँ पे 7 यूनिट दिया हुआ है। तो सेम वे में जिस तरह से हमने ये सम किया हुआ था, आप लोग देख सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये सम नंबर लाइन निकाल के बताया था आप लोगों को, सेम वे में हमें आगे का सम भी करना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन अब निकाल ली है। तो ये जो हमें पॉइंट ए दिया था दैट इज 1, उसका वैल्यू दिया है कोऑर्डिनेट पॉइंट ए इज 1, और हमें 7 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक बी पॉइंट लिया है, एक सी लिया है, बिकॉज हमें लेफ्ट और राइट कौन सा है ये पूछा नहीं है, डायरेक्टली हमें दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड का भी करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का भी, डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने राइट हैंड साइड में सी ले लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में बी लिया है। तो बी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स और सी का कोऑर्डिनेट होगा वाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अभी ये सम करते हैं। सो लेट बी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स, बी को हमने एक्स लिया है, हम यहाँ पर लिखते हैं उसे, लेट बी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक है। सो बी, अभी यहाँ पर द पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड है, ये कौन से साइड में आया है, ये लेफ्ट साइड में है, तो हम उसे भी लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड ऑफ ए है, ठीक है। एंड डिस्टेंस कितना है? 7 यूनिट। सो बी इज लेफ्ट साइड ऑफ ए एट 7 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसे मेंशन कर दिया है कि ये 7 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर हमने बी पॉइंट को लिया हुआ है, एंड दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। तो अभी हम करेंगे, जो लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, और राइट हैंड साइड के नंबर्स जो होते हैं बिगर होते हैं। तो आप अभी समझ जाओगे कि अगर यहाँ पर 1 है तो इसके आगे के जो नंबर है ये क्या होंगे, सब ये स्मॉलर होंगे, इसीलिए 1 ग्रेटर है x से, देयरफॉर 1 इज ग्रेटर देन x, ये हमें पता चल गया है। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वॉट 7, ये तो हमें ऑलरेडी दिया है ना, डिस्टेंस 7 है, तो डिस्टेंस हमें मालूम है दैट इज 7, देयरफॉर अभी हम करेंगे यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम करते हैं ना, वैसे ही करना है माइनस, सो 1 माइनस एक्स, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम सबट्रैक्ट करते हैं। अभी 7 यहाँ पर आप देखो, ये जो 1 है ये प्लस 1 है, तो इसके लिए यहाँ पर ये माइनस 1 हो गया। इज इक्वल टू के नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 1 है उसे हमने राइट हैंड, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है ना वो, तो उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया अभी, और माइनस करेंगे हम, और यहाँ पर ये x है, ये माइनस है, इसे एज इट इज हम रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा, 7 माइनस 1 इज 6 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। अभी कभी भी ये याद रखना है कि जो वेरिएबल है ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या करना होगा, ये जो माइनस साइन है इसे हम यहाँ पर ले लेंगे 6 के साथ में, तो आंसर हो गया नेगेटिव 6 इज इक्वल टू एक्स। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर 7
नंबर्स हम बैकवर्ड जाएंगे तो ये वन के बाद क्या होगा, ज़ीरो, देन नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, नेगेटिव सिक्स, आ गया नेगेटिव सिक्स। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कि पॉइंट सी जो है उसे फाइंड करना है। तो ऐसे ही हम सेम लिखेंगे, पर यहाँ पर हमें लिखना है राइट साइड ऑफ ए। सो सी इज लेफ्ट साइड के बदले यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड ऑफ ए एंड एट 7 यूनिट डिस्टेंस। सेम लिखेंगे नीचे। उसके बाद क्या करना होगा आपको, अभी देखो वन के ऑपोजिट साइड में, मतलब ये राइट हैंड साइड में गया है, तो राइट हैंड साइड का नंबर ऑलवेज क्या होता है, बिगर होता है। तो इसके लिए सी जो है वो बिगर होगा ए से। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, वाई को हमने ग्रेटर ले लिया है वन से। तो इसके लिए अभी जो डिस्टेंस दिया है उसे अब लिखेंगे। सो डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, ए सी इज इक्वल टू 7, ये ऑलरेडी हमें दिया है। हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। सो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए 7 इज इक्वल टू y माइनस 1। अभी y क्या हो गया, यहाँ पर माइनस 1 में आ गया है। सो 7 माइनस 1 का प्लस 1 कर दो इज इक्वल टू y। 7 प्लस 1 इज 8 इज इक्वल टू y। तो कितना आया आंसर, सो y का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर 8 आया है। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन नंबर लाइन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट इज क्या हो सकता है, 7 यूनिट आर नेगेटिव 6 और नेगेटिव 6 हो सकता है या तो फिर 8 हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक आंसर आ सकता है, आ सकता है मतलब हो सकते हैं, बिकॉज हमने लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं किया है। जो क्वेश्चन दिया है इसमें लेफ्ट या राइट साइड का मेंशन नहीं किया है। अगर यहाँ पर देते कि डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम ए लेफ्ट साइड या राइट साइड तो हम फाइंड करते ओनली वन, लेकिन यहाँ पर दोनों हमें दिए हैं फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए वो लेफ्ट साइड का है तो नेगेटिव 6 हो सकता है, राइट साइड का अगर होगा तो 8 हो सकता है। ठीक है, चलो अभी उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 7th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। तो कंडीशनल फॉर्म में हमें लिखना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एवरी रॉम्बस इज स्क्वायर। अभी आपने देखा होगा, ये पहले 7th क्वेश्चन है, लिख देती हूँ, रॉम्बस जो स्क्वायर जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं रॉम्बस। तो यहाँ दिया है एवरी रॉम्बस इज अ स्क्वायर। तो हमें क्या लिखना होगा, देखो कंडीशनल फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसका मीनिंग हमें चेंज नहीं करना है, मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ उसे हम स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, जैसे हम ग्रामर में करते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में वैसे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रॉम्बस, अगर दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल ये रॉम्बस है देन इट इज अ स्क्वायर। अगर ये क्वाड्रिलेटरल रॉम्बस है तो ये स्क्वायर है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल्स ए एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक लाइन के ऊपर जो लीनियर पेयर आते हैं ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कब होता है, जब उसका एडिशन 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। अगर ये एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर पर है तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दिया है अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स। अभी ट्रायंगल जो है वो 3 सेगमेंट, कभी भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट को हम ज्वाइन करके लिखते हैं ना। तो हमें बस इसे अभी एक्सप्लेन करना है, इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। अगर ये ट्रायंगल है तो ये फॉर्म्ड होता है 3 सेगमेंट से। अगर ये स्क्वायर है तो ये फॉर्म होगा 4 सेगमेंट से, बराबर, क्योंकि इसमें 3 साइड्स आए हैं, 3 सेगमेंट्स हैं, इसीलिए हमें फॉर्म लिखना है। कैसे, फिर से एक बार बोलती हूँ, इफ द फिगर इज ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। ओके, उसके बाद 4th क्वेश्चन देखो,
अ नंबर हैविंग ओनली टू डिवाइजर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर है हैविंग टू डिवाइजर, कौन कौन से डिवाइजर हो सकते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दो ही अगर डिवाइजर है तो हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं. जैसे आप लोग टू नंबर देखो, तो टू नंबर क्या होता है, वन टू जा टू एंड टू वन जा टू, दो ही नंबर इसके डिवाइजर है, कौन कौन से, वन और टू. दूसरा नंबर देती हूँ, थ्री, वन थ्री जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो क्या हो गया, थ्री, ये भी प्राइम नंबर है बिकॉज उसके भी डिवाइजर दो ही है, वन एंड नंबर इटसेल्फ. थोड़ा बड़ा नंबर लेती हूँ, वन मल्टीप्लाइड बाय सेवनटीन इज इक्वल टू सेवनटीन एंड सेवनटीन वन जा सेवनटीन, ये कोई और टेबल में नहीं आते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गए, ये प्राइम नंबर हो गए. तो जो हमें यहाँ पर कंडीशन दिया है ये राइट है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इफ अ नंबर इज हैविंग ओनली टू डिवाइजर, अ नंबर इज हैविंग ओनली टू डिवाइजर देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, तभी हम इसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें जो कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, उसके आगे है क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट में दिया है, राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कन्वर्स भी हमने देखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.3 में, तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे. इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर इज 180 डिग्री, कितना डिग्री दिया है, 180 डिग्री, देन द फिगर इज ट्राइंगल. ट्राइंगल मतलब ये फिगर फिर क्या होगा, ट्राइंगल. आपने देखा है कोई भी ट्राइंगल है उसके थ्री साइड्स, कोई भी ट्राइंगल आप ड्रॉ करो उसके जो थ्री एंगल्स होते हैं इनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री का होता है. तो अभी इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ द फिगर इज अ ट्राइंगल देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एंगल इज 180 डिग्री. फिर से एक बार बोलती हूँ, इफ द फिगर इज अ ट्राइंगल, इफ फिगर इज ट्राइंगल देन द सम ऑफ, देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स क्या है, 180 डिग्री. ठीक है, वेरी सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, क्या दिया है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. अगर हमने यहाँ पर दो एंगल निकाले हैं, ये सेपरेट अगर निकालते हैं हम, तो ये एंगल सपोज ये एक्स है और ये एंगल वाई है, तो एक्स प्लस वाई होता है 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री होता है तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, तो इसके हम क्या आंसर लिखेंगे, इसके लिए हमें स्टेटमेंट तो चेंज नहीं करना है, सेम रखना है. तो इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, बहुत सिंपल है. उसके बाद देखो थर्ड वन, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर congruent, then the two lines are parallel. हमने ये भी देखा हुआ है, जब parallel line निकालते हैं उसका transversal होता है, इसे हम transversal कहते हैं और इसे हम parallel lines कहते हैं. ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पर, if the corresponding angles, क्या दिया, corresponding angle, this angle corresponding, this one corresponding, this one corresponding. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन, तो वो क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स और वाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल मेजर के है. ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर बताना है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल्स देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स
फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू लाइंस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये हमें लिखना है। फोर्थ देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। यस, अगर 9 लो, 3 3 ज़ा 9, या 12 लो, 3 4 ज़ा 12, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है 12 इज डिविजिबल बाय 3। बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो वो भी डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। ओके, तो हम उसे अभी लिखेंगे कैसे कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सम मतलब क्या? सम मतलब एडिशन। ठीक है, देखो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। सम मतलब एडिशन। अगर 51 नंबर दिया है तो 5 + 1 ये 6 होता है, तो 6 डिविजिबल बाय 3 है। 6 डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करते हो तो 6 3 2 6 आता है आंसर, तो ये डिविजिबल हो रहा है। मतलब 51 भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 51 ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा, इसे हम कहते हैं डिविजिबल बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th, राइट द एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट पार्ट जो गिवन पार्ट होता है एंड द कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब जो प्रूव करने के लिए हम देते हैं। ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसे हम इफ और देन जो दिया है अब इसे हम निकाल के मतलब जो गिवन पार्ट है वो और क्या प्रूव होता है ये हम लिखेंगे। तो कैसे लिखना है? एंटीसीडेंट में लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दिया है हमें, और फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका, इफेक्ट क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका जो परिणाम हुआ उससे क्या हो रहा है, हमें वो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। सो इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों पार्ट को आपको डिवाइड करके अलग अलग से लिखना है। अभी सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल है पैरेललोग्राम, डायगोनल तो पता है मिडल के लाइन जो होते हैं वो है, तो वो अगर पैरेललोग्राम के है तो वो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं मतलब वो क्या होते हैं एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो इसके लिए हमें लिखना होगा क्वाड्रिलेटरल इज अ, देखो एंटीसीडेंट में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम है तो उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट दिया है 10th क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर्स शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। टू क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सॉरी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब दोनों सेम रहने वाले, तो इसे हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में टू ट्राइंगल्स जो है इक्विलेटरल्स दैट इज ए बी सी, और अगर बी सी पी क्यू आर आप निकाल लो, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल आपने निकाल लिए है सपोज, तो क्या होगा इसमें, दे आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब वो दोनों के जो साइड्स है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऐसे दिया हुआ है टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर टू एंटीसीडेंट में हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है लिखने के लिए, तो इसमें हम लिखेंगे पहले तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये ट्राइंगल कौन से है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्वल साइड, इक्वल साइड, इक्वल साइड। ठीक है, हमने निकाल दिया ए बी सी पी क्यू आर, नेमिंग कर दिया है,
अभी हमें देखना है, कंसिडर द स्टेटमेंट इज कंडीशनल फॉर्म इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल देन दे आर सिमिलर, या अगर हमको इसे दिया हुआ है तो इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल दैट इज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल दिया है तो दे आर इक्विलेटरल, ठीक है। और कभी भी देखो कोई भी ट्राइंगल है, बड़ा है छोटा है, उसके तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री ही होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज इफ एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल, तभी इसमें हमें क्या करना है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है सीधा 90 डिग्री है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एंटीसीडेंट में लिखेंगे एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट दैट इज एंगल ए बी सी, तो इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ आपको समझ में आने के लिए, ए बी सी एंड हियर वी विल राइट डी, तो यहाँ पर आप देखो एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अच्छे से इसे लिखना है एंगल या सॉरी एंगल, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी बी डी, तो बी यहाँ पर ये दोनों का इक्वल आया हुआ है, और कॉन्सिक्वेंस क्या लिखोगे, ईच ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल, और ये ईच एंगल जो है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब वो बाइसेक करता है तो वो क्या हो रहा है, लीनियर पेयर के ऊपर कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए ये बाइसेक परपेंडिकुलरली हुआ है, तो ये 90 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन द लास्ट वन इज इफ द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स, सॉरी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, एल्टीट्यूड क्या होता है, जब हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं वो ट्राइंगल से हम मिडल पार्ट से एक सामने लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे परफेक्टली, तो वो क्या बनता है उसका एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स के ऊपर ड्रॉ किया है आर कॉन्ग्रुएंट देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, येस होगा ऐसे ही होगा, ये दोनों साइड्स जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये जो है वो नहीं हो सकता है। तो क्या लिखना है हमें इसमें, हम लिखेंगे एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट इज कॉन्ग्रुएंट है, अगर आपने नेमिंग लिखा है तो आप नेम्स लिख कर दिखा सकते हो, जैसे अगर सपोज आपने यहाँ पे पी क्यू लिखा है और आर एस है, तो सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट आर एस आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको लिख कर दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम सेट वन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑल 10 सम्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन पैरेलल लाइंस का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।